तो भाई फाइनली ये आ गया हमारे पास तूफानी वाला कुरकुरे। और जो कि सुना है मैंने कि मसालेदार बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्राई करके देख लेते हैं भाई कितना मसालेदार होता है। सो भाई फाइनली चिप्स आ चुके हैं हाथ में और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब इनको करते हैं अनबॉक्स। सो हेलो जी, क्या हाल है, फिर से वापसी एक और नए ब्लॉग के साथ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार आज के ब्लॉग में हमने खाए तेज तरीन कुरकुरे और तेज़ तरीन मसाले वाले चिप्स। तो सबसे पहले अपने ब्लॉग का स्टार्ट लेते हैं सुबह नाश्ते वगैरह से। सो यार ब्लॉग मॉर्निंग वगैरह हो गई और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नाश्ता वगैरह लगा लिया कि मैंने चाय है और बिस्किट है। सो फिलहाल फटाफट से करते हैं नाश्ता, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी एडिटिंग वगैरह करके डन हुआ हूँ मैं और अभी मार्ट वगैरह जाना है, वहाँ से आके फिर एक एडिट करना है ब्लॉग क्रेजी ब्लॉग का। तो फिलहाल बड़ी टेंशन है आज, बड़ी परेशानियाँ हैं। तो सबसे पहले यार चाय और नाश्ता, बिस्किट ये सब चीज़ें में नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। कल बारिश ने तंग करा हुआ था, आज एडिटिंग ने तंग करा हुआ है, सर्दी भी लग रही है, काम भी करना है, क्या करें यार, लाइफ बड़ी बिजी होती जा रही है दिन ब दिन। फिलहाल अभी करते हैं नाश्ता, नाश्ते के बाद देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, जो भी होगा अपडेट रहेगी। नाश्ता वगैरह करा फिर हमें जॉब पर जाना था, तो हम चले गए अपनी जॉब पर। सो यार फाइनली रेडी वगैरह हो गए हैं अभी मार्ट वगैरह जाने के लिए। तो ये है कि अब निकलता हूँ अभी जॉब के लिए। शुक्र है ठंड है, लेकिन अभी गर्मी में धूप में आके मैं खड़ा हुआ हूँ तो इतना सुकून मिल रहा है, यकीन मानो जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इतनी देर से घर में बैठा हुआ था, अगर 15-20 मिनट यहाँ खड़ा हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। बहुत गर्मी हो रही है तो ये देख रहे हो बारिश की वजह से इलाके का हाल। सो फिलहाल अपनी बुलेरो जो है बाहर निकाल ली है। यार बाइकों में ना मुझे सबसे पसंद जो है बुलेरो, तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। वैसे बाइकों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरी बाइक है ना वो है 125। और 125 की अगर कोई बात कोई बाइक है तो वो है निंजा R1 R2। तो ये बाइक मुझे अच्छी लगती है। मुझे 70 की अच्छी लगती नहीं, लेकिन मेरी बुलेरो ने 12 को भी पीछे छोड़ा है, तो इट्स माई लव। सो फिलहाल अभी निकलते हैं और पहुँचते हैं डायरेक्ट मार्ट। जॉब से वापस आए तो गैस नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी आपके मैंने अपनी एक्सप्लोरेशन को कम नहीं करा, मैंने खाया डेवलपर कर और जो कि दीगर मामला होते हैं घर पे आने के बाद। सो भाई फाइनली जो है आपका भाई आ चुका है जॉब से अपनी वापस और सीनियर्स कुछ ऐसे हैं कि आज आपका भाई आप लोगों के लिए लाया कुछ नई चीज़ है। आज हम ट्राई करेंगे कुरकुरे का सबसे ज़्यादा तूफानी और मसाले वाला फ्लेवर, लेकिन अभी जो है गैस वैस नहीं आ रही थी तो आपके भाई को चाय वगैरह पीने का मौका नहीं मिला, और अभी दूध भी जोश नहीं है तो वो काम भी करने हैं। सबसे पहले जो है आपके भाई को आते वक्त जो मैं अंडे वाला बर्गर और ये भी लाया था तो ये मैंने खा लिया था थोड़ा सा रास्ते में ही, बाकी मैं घर ले आया था। मैं यार घर पे आके सुकून से कहूँगा, क्योंकि भूख उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लग रही थी और चक्कर टाइप से हो रहे थे, क्योंकि आप गर्मी जो है गर्मी अच्छी खासी है, कड़क वाली धूप बहुत कड़क है। बस फ़र्क ये है कि हवा बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन पसीनों के अलावा जब सूरज की धूप मुँह पर पड़ रही है ना तो फिर वो जो है अलग सी सिस्टम आउट हो रहा है। और ये ठंड जो है ये बड़ी ख़तरनाक ठंड है, क्योंकि डायरेक्ट नाक से उसके सीने में जम रही है। मैं सुबह उठा हूँ गर्मी थी, मैं मार्ट तक पहुंचा हूं सर्दी लगने लग गई, सामने फट्टा हो गया शायद, अरे बाहर फट्टा हो गया यार। ये क्या हो गया, पता नहीं भाई शायद फट्टा हो गया या टायर वगैरह फट गया, टायर पंचर हो गया, तो कुछ भी नहीं कह सकते। सो फिलहाल अभी बैठ के हम लोग खाते हैं इन चीज़ों को, फिर जो है थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह है तो वो करते हैं, और फिर जो है हम करेंगे अपना चैलेंज। और उसको पीने के बाद मुझे उसको खाने के बाद मैं कुछ पीऊँगा नहीं, सिर्फ चाय पीऊँगा यानी मसाले के ऊपर, तो देखते हैं क्या हालत रहती है, क्योंकि वो बहुत मिर्चों वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले होते हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, अभी फिलहाल ये खाते पीते हैं और फिर जो है लाइट वगैरह गैस वगैरह आती है तो फिर चाय वगैरह बनाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं आगे क्या सीन है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, उदासी के बादल छटे लेकिन गैस नहीं आई। तो भाई फाइनली ये आ गया हमारे पास तूफानी वाला कुरकुरे। और जो कि सुना है मैंने कि मसालेदार बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्राई करके देख लेते हैं भाई कितना मसालेदार होता है और चेक इट आउट। भाई मसाले वाला तो बहुत है, अच्छी खासी मिर्च है इसमें, लेकिन इतना भी मसालेदार नहीं है जितना लोग समझते हैं बताते हैं। नॉर्मल मसाला है वो, ये बोलते हैं ना हाँ यार ख़ास मसालेदार है ये वो खा रहा हूँ,
उस टाइप का मसाला नहीं है। लेकिन यह मसाला है, लेकिन बहुत तेज वाला मसाला होता है ना, वो मसाला नहीं है। लाइट ने ना आने का फैसला करा हुआ है, लाइट चली गई है, गैस आ नहीं रही थी। 4 से 5 मरतबा मैं गैस चेक कर चुका था और गैस नहीं आ रही थी। आखिरी हल जो था वो यही था कि बगैर चाय के कुरकुरे को खा लिया जाए। तो क्या फिर बाहर जाना वाना हो जाता है या कुछ भी काम हो जाता तो फिर वो मज़ा नहीं आता। मैं जो से बाहर भी कर रहा हूँ, मैं कुरकुरे भी खा रहा हूँ, जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी ना कि बहुत मिर्ची वाला होगा, उतना है नहीं, बिल्कुल इजली आप खा सकते हो, न ज़्यादा मिर्च है ना कुछ। बिल्कुल नॉर्मली आप खा सकते हो, बिल्कुल लाइट मिर्च का है। इसका टेस्ट तो बाकी कुरकुरे से अलग है, टेस्ट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी खाने का दिल ना करे, ऐसा है कि हाँ यार खाने का दिल करे, एक के बाद एक उठाने का दिल करे। पहले जो मेरे ब्लॉग देखते हुए उनको पता होगा कि मुझे ग्रीन वाला कुरकुरे बहुत पसंद था, उसके बाद अगर मुझे कोई कुरकुरे अच्छा लगा तो वो ये रेड वाला ब्लैक वाला है, क्योंकि जिसके मिर्चें आपको ज़्यादा लगेंगी नहीं लेकिन आप खाओगे तो मज़ा आएगा। तो आगे की जो भी एक्सप्लोरेशन होगी वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अभी मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना उज़ैफ़ा के पास जाया जाए और उज़ैफ़ा के पास जाके जो है थोड़ी बहुत शुगर मस्ती करी जाए। लेकिन जब मैं उज़ैफ़ा के पास पहुँचा तो पता चला कि वो था नहीं, तो फिर मैं डायरेक्ट चला गया चिप्स की शॉप पर। चिप्स की शॉप से मैंने काम ये था कि यार मसाले वाले कुरकुरे खाए थे, दिल चाहता है कि मसाले वाले चिप्स भी खाए। तो फिर आपका भाई चिप्स लेकर आया घर पे और घर पर उन चिप्सों का करा भरपूर भरपूर रिव्यू। भाई फाइनली जो है घर वगैरह आ गए हैं, बाहर निकला उज़ैफ़ा के पास जाने के लिए, लेकिन उज़ैफ़ा जो है कि भाई आयशा मंजिल से जो है जस्ट सा रीज़न कि मेरा कुछ चटपटा था खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने क्यों सोचा कि यार काफ़ी टाइम हो गया आलू वाले चिप्स नहीं खाए, तो क्यों ना उन आलू वाले चिप्सों को ट्राई करा जाए। तो मैंने चला गया आलू वाले चिप्स की शॉप पे, वहाँ पे आपको मैंने टाइम लैप्स वगैरह बनाया जो कि आप लोग देख चुके हो और काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हो। सो फिलहाल अब बारी है उन चीज़ों को टेस्ट करने की। देखो तूफानी कुरकुरे खाया, उसके बाद और मूड हो रहा था कि कुछ चटपटा खाया जाए, तो फिर जो है आपके मैंने चटपटे में चिप्स खाने का फैसला करा, क्योंकि आलू वाली चीज़ें जैसे आलू का समोसा वगैरह तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा चिप्स वगैरह में आता, और चिप्स खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं अक्सर चिप्सों का अवॉइड कर देता हूँ और टाइम भी नहीं मिलता। दूसरी चीज़ तो यह टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों को खाने का, जब भी दर्शी बात है बंदा टाइम निकालता है कुछ मखसूस तो फिर वो कुछ अच्छा खाने चला जाता है, तो ये चीज़ें रह जाती हैं। सो फिलहाल अब इसका टेस्ट भी करते हैं, ट्राईपॉड पे लगाते हैं मोबाइल को और इसका टेस्ट करते हैं। सो भाई फाइनली चिप्स आ चुके हैं हाथ में और सीन्स कुछ ऐसे हैं, क्या इनको करते हैं अनबॉक्स। तो फिलहाल हाय 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 ब्रिलियंट टेस्ट, मज़ा बहुत मज़े के यहाँ टेस्ट में, बहुत ज़्यादा मज़े के, लेकिन मानो दिल खुश हो गया ये चिप्स खा के। अमेजिंग चिप्स, अमेजिंग एक्सपीरियंस, और चटपटा खाने का जो दिल था वो मूड अब पूरा हो गया चिप्स को खाने के बाद। सॉफ्ट आलू,
पूरे इलाके में मैं घूम रहा था, मैंने पहले इसके चिप्स खाए हैं, तो मैंने बोला यार चिप्स वहीं से ही खाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोगों को याद है तो मैं अरम और अलियन वगैरह को लेके गया था, शूट करा था मैं एक वीडियो। ओके फ़ौरन बाद हम लोग गए वही चिप्स खाने, जब से जगह अब जाके मैं चिप्स खा रहा हूँ। सो एनीवेज यहाँ पे मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, क्योंकि अब आधा घंटा रह गया मुझे अपनी जॉब पे जाना है, और जॉब से जब मैं आता हूँ तो मैं लाइट वगैरह गई हुई थी। तो इस व्लॉग को यहीं भी करते हैं, होप यू गाइस विल एंजॉय दिस वीडियो एंड एवरी मोमेंट्स ऑफ दिस व्लॉग। सो एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और उस रिव्यू के साथ साथ आपके मैंने करा व्लॉग को ऐड, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में जो है यही दो चीज़ें थी इंक्लूड, और कुछ ही टाइम गुजरने के बाद मेरी जॉब पे जाने का टाइम हो जाता था, दैट्स व्हाई आई स्टॉप व्लॉग। सो दैट्स अ रीज़न कि मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था। सो एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।